मध्यकालीन भक्त कबीर जाति धर्म और संप्रदाय को नहीं मानते थे। वो इन सब चीजों से, दुनियादारी की चीजों से बहुत ऊपर थे। कबीर दास कोई पढ़े लिखे किसी विद्यालय और कॉलेज महाविद्यालय में नहीं गए थे, लेकिन उनके पास संत हृदय था। वो प्रभु के अनन्य उपासक थे। वो पत्थर को भी पूजने की मनाही करते थे कि पत्थर को, पाहन को पूजने से क्या मिल सकता है। मानवीय मूल्यों का आज समाप्तिकरण हो गया है। आज हम लोग किसी के सुख दुख से कुछ नहीं लेते देते हैं, किसी को कष्ट में कराते हुए छोड़कर हम भाग जाते हैं, लेकिन कबीर दास नहीं। कबीर दास मानवीय मूल्यों में जीते थे। यह उनके दोहों से भी परिलक्षित होता है और ज्ञान मिलता है। कबीर दास किसी भाषा के अधीन नहीं थे। वो सधुकड़ी थे, साधु मिजाज के व्यक्ति थे, संत थे और महान संत थे। क्योंकि कबीर ने अपने गीतों में न तो स्वयं लिखा गीतों को और न ही किसी से लिखवाया। वो तो गाते थे, मस्ती में झूम कर गाते थे। फलस्वरूप बाद में जोड़ तोड़ कर लिखने के कारण कहीं उनके दोहों में अवधी भाषा का प्रयोग, कहीं उनकी कविताओं में ब्रज भाषा का प्रयोग, तो कहीं खड़ी हिंदी या कहीं कहीं सधुकड़ी भाषा का प्रयोग का दिग्दर्शन होता है। कबीर दास जी फक्कड़ थे, उनको किसी की परवाह नहीं थी। वो राम को भी उतना ही मानते थे, रहीम को भी उतना ही मानते थे। वो जाति पूछकर किसी की सेवा नहीं करते थे। वो कष्ट में देखकर, दुख में देखकर मानवीय मूल्यों को प्रस्तुत करते थे। कबीर दास जी का दोहा क्या है, या कोई भी दोहा, कोई भी साखी, कोई भी कविता, जब हम रहीम, कबीर, संत तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई इत्यादि के कविताओं को, गीतों को, दोहों को, साखियों को देखते हैं, तो वो क्या है? ये दोहे समाज के दर्पण हैं। सामाजिक जीवन का दिग्दर्शन इनके दोहे में मिलता है। कबीर दास जी आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितना आज से मध्यकालीन युग में भी वो महत्वपूर्ण थे। आज नहीं, कई सौ वर्ष पूर्व कबीर दास जी का जन्म हुआ था। तो आओ अब हम उनके कुछ कविताओं को, उनके कुछ दोहों को हम प्रस्तुत करें। कबीर दास जी के दोहों को बड़े बड़े संत लोग भी अर्थ नहीं लगा पाते। क्यों? क्योंकि उनकी भाषा में सधुकड़ी भाषा थी, पक्कड़ी भाषा थी। कबीर दास जी ने कहा एक जगह कि कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भींजे पानी। अब इसका अर्थ लगाना बहुत ही मुश्किल है। कबीर दास जी गुरु के महत्व को अपने कविताओं में, अपने दोहों में कहते थे। जैसे एक उनका दोहा है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के चरण से लिपट रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। तो आओ आज हम उनके कुछ सीख भरे दोहे, जिसमें कुछ ज्ञान, कुछ दर्शन, कुछ सामाजिक दर्शन, कुछ अपनापन महसूस होता है, हम उनके दोहों को आज तुम लोगों को बताते हैं और उसके भावार्थ भी बताते हैं, उसके अर्थ भी, उसका रूपांतरण भी हम करते जाएंगे। ज्ञानी तो निडर भया, माने नाही संक, ज्ञानी तो निडर भया, माने नाही संक, इंद्र के रे बसी पड़या, इंद्र के रे बसी पड़या, भूचे विषय निसंक कबीरा, भूचे विषय कि ज्ञानी मनुष्य निर्भय हो जाता है।
ज्ञानी मनुष्य को डर नहीं होता, निर्भय हो जाता है, तो वह किसी की शंका नहीं करता, किसी से भय नहीं खाता और इंद्रियों के वशीभूत होकर, इंद्रियों के वश में होकर निशंक रूप से विषयों का भोग करता है। ये ज्ञानी मनुष्य के बारे में कबीरदास जी ने कहा, ज्ञानी मूल गवाइया, ज्ञानी मूल गवाइया, आपन भय करता, आपन भय करता, ताथे संसारी भला, ताथे संसारी भला, मन में रहे डरता कबीरा, मन में रहे डरता, ज्ञानी मूल गवाइया। ज्ञानी पुरुष अपने को कर्ता धर्ता समझकर अहंकारी हो जाता है और अपने मूल तत्व अर्थात इस आत्मा को ही खो देता है। ज्ञानी को इस बात का अहंकार होता है कि मैं ज्ञानी हूं, मुझे बहुत ज्ञान है, मैं हर विषय पर बोल सकता हूं, हर विषय पर मेरा अध्ययन है। तो ये इस अहंकार में वो, इस दर्प में वो अपनी आत्मा के निर्मलता को, स्वच्छता को वो खो देता है, मूल तत्व को ही खो देता है। और मूल तत्व क्या है? मूल तत्व आत्मा है, हृदय है। उनसे तो संसारी पुरुष ही अच्छे हैं, उनसे तो ये संसारी पुरुष ही अच्छे हैं जो मन में पाप करने से डरते रहते हैं। उनको डर लगता है कि प्रभु देखेगा, ईश्वर देख लेंगे, कोई देख लेगा, और नहीं कोई तो ऊपर वाले से कुछ नहीं छिपेगा। तो कबीर दास जी ने यहाँ पर यह प्रमाणित किया है कि ज्ञानी मनुष्य से अच्छा वह मूर्ख मनुष्य है, वह आम आदमी है, वह पिछले वर्ग का आदमी है जो ज्ञानी नहीं है। कम से कम वह डरता तो है, लेकिन ज्ञानी पुरुष नहीं डरता। कितनी बढ़िया पंक्ति है ये। सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चीन्हे को, सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चीन्हे को, जिन सहजे विषयात जी, जिन सहजे विषयात जी, सहज कही जय सोई कबीरा, सहज कही जय सोई कबीरा, सहज कही जय सोई कबीरा, सहज कही जय सोई। बहुत सारी बातें, बहुत सारे भावार्थ तो उनके दोहे को पढ़ करके ही हम लोग समझ लेते हैं, लेकिन फिर से मैं समझा देता हूं कि सभी लोग सहज सहज कहते हैं। सहज मतलब क्या? सहज मतलब असहज नहीं होना, अर्थात अपने मुख्य स्थिति में रहना, जो हंसी को भी खुशी को भी एक समान ग्रहण करता है उसे सहज कहते हैं। जो सुख में तो बहुत अहंकार में आ जाता है लेकिन दुख पड़ने पर रोने लगता है, वह सहज नहीं कहा जाएगा, वह क्या कहा जाएगा? असहज। तो कबीरदास जी यहां कहते हैं कि सब सहज सहज कहते हैं, परंतु सहज है क्या? इसे कोई भी नहीं जानता। उन्होंने बड़े जोर देकर कहा कि कोई भी नहीं जानता, जिन्होंने स्वभाव से ही विषय वासना को त्याग दिया है वही सच्चा ज्ञानी है, वही सत्य और वही सहज ज्ञानी है।